हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टोटल ज्ञान। मैं हूं तनवीर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजन रिलेटेड बैजेस की, जो आप कार पे लिखा हुआ देखते होंगे। चाहे आप कोई भी कार ले लीजिए, सुजुकी के लिए, ह्यूंडई के ले लीजिए, आप कोई भी कंपनी की गाड़ियाँ ले लीजिए, उस पर कोई ना कोई इंजन बैज ज़्यादातर अपने मॉडल्स पर लगाते हैं। चाहे वो आप सुजुकी का VVT ले लीजिए या ह्यूंडई का VTVT ले लीजिए, या ये पेट्रोल कार पे लगे हुए दिखेंगे आपको। डीजल कार के बारे में बात करेंगे तो CRDI लगा हुआ दिखेगा ह्यूंडई में, आपको DDIS लिखा हुआ मिलेगा सुजुकी की गाड़ियों में। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बैजेस हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने मॉडल के कार में लिख के मार्केट में उतारते हैं गाड़ियाँ। तो ये क्या है बैजेस, ये क्यों हैं और ये क्या डिफाइन करते हैं इंजन के बारे में, इसके रिलेटेड आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं थोड़ी डिटेल में। तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे पेट्रोल रिलेटेड जो कार्स हैं, जो इंजन हैं पेट्रोल कार इंजन, जो उसके बैचेस हैं। जैसे कि आप कॉमनली देखेंगे VVT सुजुकी का, या फिर VTVT आप देखेंगे ह्यूंडई के कार्स पर लिखा हुआ। तो हम आज इस वीडियो में उस दो बैचेस जो मेनली आप देखेंगे पेट्रोल कार्स पर इंडियन मार्केट में, इंडियन रोड्स पर, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। सो ये जो सुजुकी का VVT है या फिर आप ह्यूंडई का VTVT ले लीजिए, ये दोनों ही एक्चुअली डिफरेंट नहीं है। एक्चुअली इन जनरल देखा जाए तो दोनों टेक्नोलॉजी सेम है, बस मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने नॉमेनक्लेचर बोल लीजिए, अपना नेमिंग कन्वेंशन बोल लीजिए, वो उन्हें देती है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा दोनों के दोनों सेम होते हैं या कोई डिफरेंस नहीं आता है। मतलब ये एक तरह की, मतलब जो बेस टेक्नोलॉजी है, बेसिक टेक्नोलॉजी सेम है, उसको किस लेवल पे वो यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ और ऐड कर क्या टेक्नोलॉजी ऐड करके, क्या एनहांसमेंट ऐड करके इंजन का परफॉर्मेंस बेटर कर रहे हैं या समथिंग, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली बात करें, ये VVT जो सुजुकी का है, जैसे वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग जो उन्होंने नाम रखा है, या फिर आप ले जी ह्यूंडई का VTVT वेरिएबल टाइमिंग वॉल्व टेरेन, सो ये जो दोनों बैजेस हैं, दो ह्यूंडई और सुजुकी की तरफ से अपन के पेट्रोल कार्स पे लगा हुआ दिखता है, तो इनका जो बेस टेक्नोलॉजी है वो सेम है। तो इन दोनों का मेन फंडा यही है कि जो वॉल्व्स होते हैं, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व, जो हर एक सिलेंडर के ऊपर लगे होते हैं इनलेट एंड आउटलेट, तो उनका जो टाइमिंग है वो वेरी करना होता है उन्हें, ये टेक्नोलॉजी के बेस पर वो वेरी कर सकते हैं। क्यों, नॉर्मली क्या होता है जब आपका इंजन रन होता है, तो ये जैसे हाई RPM पे आपका इंजन गया जैसे, तो हाई RPM पे जाने की वजह से क्या होता है, जो ड्यूरेशन होता है, ये इनलेट या आउट एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों वॉल्व्स के जो ओपन रहने का ड्यूरेशन जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से आपका इंजन का RPM बहुत बढ़ा हुआ होता है, तो उसकी वजह से जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इनलेट वॉल्व का ड्यूरेशन, जो ओपनिंग ड्यूरेशन होता है, जितने देर के लिए खुला रहेगा वो चीज़ कम हो जाती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इंजन घूम रहा है तो बहुत जल्दी वो ओपन क्लोज हो जाएगा, तो उससे क्या होता है, कम अमाउंट ऑफ एयर मिक्सचर अंदर आ पाता है। तो सेम सिचुएशन होती है एग्जॉस्ट वॉल्व में भी, क्योंकि वो कम ड्यूरेशन के लिए ओपन रहेगा तो एग्जॉस्ट गैस भी पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, मिशंस पे भी फ़र्क पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती थी। तो लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आई वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, जो एक्चुअली में बेसिकली जनरल अगर बोला जाए तो उसे यही बोला जाता है वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, उसको अलग अलग कंपनियों ने अपना अपना नाम ले दिया है, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, वेरिएबल टाइमिंग वॉल ट्रेन, समथिंग, लेकिन जो बेसिक टेक्नोलॉजी का नाम है वो वेरिएबल वॉल टाइमिंग ही है। और उसमें ये उसका मेन मोटो यही है कि जो टाइमिंग्स है वॉल्व के ओपन और क्लोज होने का, उसको वेरी करा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द RPM ऑफ द इंजन। कैसे अचीव किया जाता है देखिए, तो नॉर्मल इंजन में जिसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो उसमें क्या होता है, जब आपका इनलेट वॉल्व ओपन होता है तो आपका एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज पोजीशन पे होता है, जब ये इनलेट वॉल्व क्लोज हो जाता है तब एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होने की बारी आती है, मतलब दोनों एक साथ ओपन या क्लोज नहीं, मतलब ओपन नहीं हो सकते, दोनों एक साथ कभी ओपन नहीं होते नॉर्मल इंजन में जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो क्या होता था, ये इश्यूज आते थे जो मैंने आपको बताया, हाई RPMs में प्रॉब्लम्स हो जाती थी, कम ड्यूरेशन का ओपन रहने का ड्यूरेशन कम हो जाएगा तो परफॉर्मेंस पे वेरी करेगा, एमिशंस पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो
वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग है, इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो से सपोज आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक फोर स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होगा, राइट? एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो, एग्जॉस्ट स्ट्रोक चल रहा है, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन हो गया, आपका एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही हैं, तो उसी टाइम में उसके क्लोज होने से, एग्जॉस्ट वॉल्व के क्लोज होने से पहले ही आपका नेक्स्ट साइकिल का इनटेक स्ट्रोक स्टार्ट कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट, इन अदर टर्म्स, आपका इनटेक वॉल्व ओपन कर दिया जाएगा। तो मतलब एक ऐसा दो साइकिल के बीच में ऐसा स्टेज होगा जबकि एग्जॉस्ट वॉल्व भी ओपन होगा और इनलेट वॉल्व भी ओपन होगा। तो इससे क्या होता है, एक ओवरलैपिंग हो जाती है दोनों इनटेक स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बीच में। तो जो इनलेट वाल्व ओपन होने की वजह से क्या होगा कि वो जो चार्ज होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर का चार्ज, वो भी अंदर रश करने लगेगा, तो वो भी एक तरह से हेल्प कर देता है एग्जॉस्ट गैसेस जो अंदर हैं उसको भी पुश आउट करने में बाहर की तरफ, तो क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा क्या है, ओवरलैपिंग कर दिया जाता है टाइमिंग्स को लेके। तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर मिक्सचर भी अंदर आ जाता है, गैस भी बाहर पुश कर दी जाती है। तो हाई आरपीएम्स में ये जो इशूज़ मैंने आपको पहले बताए वो चीज़ें इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ओवरकम कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस भी हाई आरपीएम में ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है, एमिशंस भी आपका कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग में मिल पाते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरर्स ये पेट्रोल इंजन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कैसे अचीव किया जाता है, इसके अपने अपने तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द कॉमन है कि कैम शाफ्ट जो होता है, जो कि एक्चुअली एक रॉड होता है, जो कि बेसिकली हेल्प करता है आपको ये ओपन और क्लोज करने में आपके इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व को। तो उसमें फेज कैम फेजिंग करके उसमें जो लोब्स होते हैं उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, मतलब दो तीन तरह के लोब्स होते हैं, तो डिफरेंट आरपीएम के हिसाब से वो डिफरेंट लोब उस इनलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से वो क्या करेगा, अपना टाइमिंग, तो लोब्स के हिसाब से वो टाइमिंग ज़्यादा या कम किया जा सकता है। अब ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, अगर ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने आर्टिकल का लिंक छोड़ दूंगा, उसमें आप मैंने काफ़ी अच्छे से इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है। बस आप इतना समझिए कि ये वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग में क्या होता है कि आपका दोनों वॉल्व के ओपन रहने का जो ड्यूरेशन है वो एक तरह का ओवरलैप होता है हाई आरपीएम्स में। इसके वजह से क्या होता है कि बैटर आपका ज़्यादा कम चार्ज, एयर फ्यूल मिक्सचर है वो ज़्यादा आ पाता है अंदर, और एग्जॉस्ट गैस भी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर पुश किया जा सकता है। तो ये चीज़ें अचीव हो पाती वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग के ज़रिए। सो यही एक बेसिक टेक्नोलॉजी है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपना अपना नेमिंग करके, नेमिंग कन्वेंशन डाल के, गाड़ियों पे बैजेस लगा के मार्केट में उतार रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन जनरल ये टेक्नोलॉजी सेम है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे इंजन सेम है, सुजुकी का इंजन जो पेट्रोल इंजन है या हुंडई का है, अगर ये दोनों में सेम टेक्नोलॉजी है तो दोनों सेम परफॉर्मेंस देंगे, नहीं, ये गलत बात है। ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, एक टेक्नोलॉजी के बेस पे आप नहीं कह सकते कि वो दोनों इंजन परफॉर्म सेम करेंगे, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे ये डिसाइड करना पड़ता है, कि ये देखना पड़ता है कि इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिक टेक्नोलॉजी है जो इम्प्लीमेंट की जाती है आजकल के पेट्रोल इंजन में टू अचीव बेटर परफॉर्मेंस, अच्छा एमिशन कम करने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी निकल कर आती है, काफ़ी कॉमन हो गई है टेक्नोलॉजी, मतलब हर ही कंपनी अपने पेट्रोल इंजन में तो लगाते ही लगाते हैं। बट हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ज़्यादातर पेट्रोल इंजन में ही यूज़ होती है टेक्नोलॉजी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डीजल इंजन में यूज़ नहीं हो सकती, डीजल इंजन में भी अप्लीकेबल हो सकती है ये, बट उसके अपने ही रीजंस हैं कि डीजल इंजन में क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये, क्योंकि वो वहाँ पे उतना हाई आरपीएम पे इंजन रेव नहीं होते हैं, कॉम्प्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, तो उस वजह से ये टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा फेमस नहीं है डीजल इंजन के अंदर, लेकिन पेट्रोल इंजन में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आरपीएम आपका जो है, जो इंजन रेव है हाई आरपीएम्स पे रन कर रहा होता है, तो इस वजह से ये टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होकर निकल कर आती है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू पीपल इन दिस वीडियो, कि ये जो वीवीटी या वीटीवीटी आप जो देखते हैं बैजेस, तो ये क्या हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में
में आप अपने कमेंट्स ज़रूर से लिखिए ताकि मैं समझ सकूं, और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपने आगे आने वाले वीडियो में थोड़ा और कोशिश करूंगा कि आपको और डिटेल में थोड़ा इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं। सो दैट्स इट गाइस फॉर नाउ। अगर आपको पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर करिए अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए मेरा वीडियो। एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उस वो दबाने से आपको हर एक मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। बाय बाय।